तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ वो है कामत आर गणेश की तरफ से। क्वेश्चन है, हाउ कैन वन क्लियर द अनवांटेड थिंग्स एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी एट होम। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे चीजों को हटाया जा सकता है और पॉजिटिविटी को घर में लाया जा सकता है वास्तु के द्वारा। तो वास्तु ये कहता है कि सबसे पहली चीज, अगर आपको घर में पॉजिटिविटी लानी है तो आपको नेगेटिविटी को हटाना होगा। तो या तो आप पॉजिटिव चीजें घर में लाएंगे या नेगेटिव चीजों को बाहर निकालिए, दोनों ही केसेस में आप घर पे पॉजिटिविटी रखेंगे। तो इनके लिए मेरी टिप ये होगी कि अनक्लटरिंग कीजिए। देखिए, घर पे बहुत सारा सामान होता है हमारे जो हम सोचते हैं कि मे बी सम टाइम लेटर वी विल यूज इट, बट वो कभी काम नहीं आता है। तो अगर आपके घर पे ऐसा कोई सामान है तो अपना स्टोर रूम जाके चेक कीजिए, और आई एम श्योर कि आपके घर में भी ऐसा सामान होगा। स्टेयर केस के नीचे यूजुअली मैंने देखा है कि लोगों के पास बहुत सारा सामान इकट्ठा रहता है, वो बिल्कुल नेगेटिव होता है, उससे नेगेटिविटी घर में आती है। डीक्लटरिंग कीजिए, सारा सामान हटा दीजिए और यू विल श्योरली गेट पॉजिटिविटी टू योर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिया का, अच्छे करियर के लिए स्टडी रूम किस डायरेक्शन, स्टडी किस डायरेक्शन में बैठ के करें। तो देखिए, सबसे पहले बात होती है स्टडी रूम की। स्टडी रूम जो है वो सबसे अच्छा होता है नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आपका स्टडी रूम नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में है तो वो बहुत अच्छा है। तो अगर आपका डायरेक्शन में नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ टिप्स जो मैं आगे अगले क्वेश्चंस में कवर करूंगा वो भी पिक कीजिए। और अगर आप स्टडी की बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ देखकर पढ़ना एक बहुत पॉजिटिव माना जाता है। माना जाता है कि जब आप नॉर्थ और ईस्ट की तरफ देखकर पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। तो डायरेक्शन नॉर्थ एंड ईस्ट फेसिंग वाइल स्टडिंग फॉर यू सिया। अगला क्वेश्चन है सिद्ध वाणी महक का, वेयर शुड बी द पूजा घर। देखिए, पूजा घर, अब दो चीज़ें होती हैं कि एक तो पूजा घर होता है सिर्फ शोकेस के लिए। मतलब बहुत से घरों में मैंने देखा है कि लोग पूजा घर रखते हैं लेकिन उस पूजा घर का कोई वैल्यू नहीं होता। मतलब उसमें पूजा रोज नहीं होती है, उसे साफ नहीं किया जाता है, जस्ट बिकॉज कि ऐसा ना लगे कि घर में पूजा नहीं और पूजा घर नहीं है इसलिए पूजा घर रखा जा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, वो नेगेटिव ही होता है। इससे अच्छा है कि आप छोटा रखिए पूजा घर, लेकिन उसमें आप ध्यान लगाइए या फिर आप पूजा करिए। अगर आपके घर में बड़ा पूजा घर है लेकिन पूजा नहीं हो पाती है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और मैंने अपने केसेस में यही देखा है कि इससे अच्छा है कि आप छोटा पूजा घर रखिए। और पूजा घर के लिए सबसे सही डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से बेहतर कोई डायरेक्शन घर में नहीं है। जब आप पूजा कर रहे हैं तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ फेसिंग करके करिए और आपका पूजा घर जो है नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है मेरे यूट्यूब चैनल, आप जाके हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं प्रेडिक्शन फॉर सक्सेस। उसमें हमने बताया हुआ है कि कौन से डायरेक्शंस में पूजा घर सबसे बेस्ट होता है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर है सिद्धवानी महक नॉर्थ ईस्ट। आंचल का क्वेश्चन है व्हाट इज रेमेडी फॉर साउथ फेसिंग मेन डोर। ओके, ये क्वेश्चन वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन है और मैं ये पिक करना चाहता था। उसका कारण क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा साउथ फेसिंग घर है, क्या रेमेडी हूँ। देखिए, कोई रेमेडी की ज़रूरत ही नहीं है। साउथ फेसिंग का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ खराब है, कोई खराब नहीं है। कोई अगर आपको ये बोलता है कि साउथ फेसिंग अच्छे नहीं होते तो प्लीज़ उसको मेरा नंबर दीजिए, लेट मी टॉक। कोई भी अगर आपको किसी भी डायरेक्शन को बेकार बोलता है तो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक यू फूल और ही इज़ नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड अबाउट द सब्जेक्ट। तो अगर ऐसा है कि साउथ डायरेक्शन में आपका फेसिंग है तो इट्स वेरी फाइन। साउथ इज अ वेरी गुड डायरेक्शन टू हैव योर हाउस इन द फेसिंग। जरूरी क्या है कि बाकी घर फिर उसी अकॉर्डिंगली हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर साउथ में आपका फेसिंग है तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो स्टेयर केस है वो सामने ही हो जानी चाहिए। मतलब घर के फर्स्ट पार्ट में ही स्टेयर केस होनी चाहिए क्योंकि वो साउथ वेस्ट उसके लिए बेस्ट होता है। और अगर मान लिया नॉर्थ का है तो वो पीछे की तरफ स्टेयर केस होनी चाहिए क्योंकि वो साउथ में होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका घर किस फेसिंग पे है, ज़रूरी ये है कि क्या घर का पूरा आर्किटेक्चर वास्तु के हिसाब से है या नहीं है। वरना, और उसमें भी अगर फेसिंग की भी मैं मेन डोर की भी बात करूं तो हम क्या करते हैं वास्तु एक्सपर्ट्स, हम आपके घर को पहले ग्रिड्स में डिवाइड करते हैं। तो आपके घर को 3x3 की डिवाइड किया जाता है, उसके बाद एक ग्रिड को 9x9 में डिवाइड किया जाता है और उसमें से पता, उसे बोलते हैं पद। तो कुछ पद अच्छे होते हैं, कुछ पद अच्छे नहीं होते हैं। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में पद थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, साउथ और वेस्ट में पदों की संख्या कम होती है।
मतलब अच्छे वो भी होते हैं लेकिन पदों की संख्या कम है, नंबर्स कम है, तो इसका कारण, इसका मतलब ये है कि अगर आप रेंडमली पिक करें तो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा चांसेस हैं ऑस्पिशियस होने के। तो अगर लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है कि साउथ में ऑस्पिशियस नहीं होगा, साउथ में नॉर्थ से बेहतर ऑस्पिशियस हो सकता है अगर आपने सही से वो जो पॉइंट्स होते हैं, पदाज होते हैं, वो देखे हैं। तो ओके, तो आंचल आपको बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है का साउथ फेसिंग है और आपको कोई समस्या हो रही है तो वो फेसिंग के कारण नहीं हो रही है, दैट्स फॉर श्योर। और अंदर कोई समस्या हो सकती है, आपके घर में कोई इश्यू होगा, वास्तु दोष होगा, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आ रही है। फेसिंग का इससे बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है। और साउथ फेसिंग में बहुत बेहतरीन घर बनते हैं। कोई भी अगर आपको बिल्डर या फिर वास्तु एक्सपर्ट आपको ये बोले कि नहीं नॉर्थ या लो या ईस्ट ही लो, तो वो बिल्कुल गलत है। प्लीज़ ऐसे बहकावों में मत आइए। मैंने देखा है और जब मैं इस फील्ड में नहीं भी था तब भी मैंने बहुत सुना था, ये बिल्कुल सही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है सोललेस पंपकिन। मुझे नहीं पता नाम क्या है बट उनका टैग यही है और उनका क्वेश्चन है, इफ आई हैव टू डोर्स, वन एट नॉर्थ एंड वन एट ईस्ट साइड, व्हाट शुड आई डू टू इंक्रीज द प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ। अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एक्चुअली ये क्वेश्चन पर्सनली भी है मेरे लिए। कारण क्या है कि मेरे घर में भी ऐसा ही है। दो रोड पड़ते हैं मेरे घर पे, एक नॉर्थ साइड रोड पड़ता है, एक ईस्ट साइड रोड पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं डबल डोर्स, डबल साइड रोड्स में। तो अगर आपका मेन डोर जो है नॉर्थ और ईस्ट साइड में है तो बहुत बेहतरीन है। अब क्या करने की जरूरत होती है उस पर, सबसे पहला है कि उसको लाइट अप करिए। एक डोर बड़ा होना चाहिए, एक डोर थोड़ा छोटा होना चाहिए। अगर दोनों डोर की हाइट और विड्थ सेम है तो समस्या आएगी, कंफ्लिक्ट आएंगे। एक बड़ा रखिए, एक छोटा रखिए और क्या बोलते हैं उसे, लाइट अप करिए, यानी कि हाउस लैंप्स आप लगाइए, उसको अच्छे से डेकोरेट करके रखिए। डोर्स जो मेन डोर होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। नेम प्लेट आपकी नॉर्थ साइड रखिए अगर आपको वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी देखनी है, क्योंकि नॉर्थ लॉर्ड होता है कुबेर जी, कुबेर लॉर्ड हैं नॉर्थ के और वो लॉर्ड हैं वेल्थ के। तो अगर आपको नेम सॉरी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी अगर आप देख रहे हैं तो आपको नॉर्थ साइड अपनी नेम प्लेट रखनी चाहिए। नेम प्लेट में कोई टूटा फूटी नहीं होनी चाहिए, वो गंदी नहीं रहनी चाहिए, रोज उसे साफ करें।